बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। किचन कुकबुक से रुमाना आपके साथ है। आज हम जबरदस्त सा स्ट्रॉबेरी का शेक बनाएंगे। स्ट्रॉबेरीज को देख के दिल करता है कि कोई अच्छी सी चीज बनाए, तो आज हम स्ट्रॉबेरीज का एक मजेदार सा और यूनिक सा शेक बनाएंगे। मेरे चैनल किचन कुकबुक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिल सके। स्ट्रॉबेरीज का शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल स्ट्रॉबेरीज ले ली है और स्ट्रॉबेरीज को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इनको बारीक काट लिया है। बारीक काटने के बाद मैंने इनको फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से जम जाए, इनके अंदर ये फ्रीज हो जाए ताकि हमें शेक में ज्यादा आइस इस्तेमाल ना करनी पड़े। स्ट्रॉबेरी का शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लेंडर ले लिया है और ब्लेंडर के अंदर मैं सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरीज को ऐड कर दूंगी। मुझे 2 गिलास शेक बनाना है तो उसके लिए मैं स्ट्रॉबेरीज डाल दूंगी और स्ट्रॉबेरीज आप अपनी मर्जी से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और इसमें मैं 2 कप मिल्क ऐड कर दूंगी। जग को फुल नहीं भरेंगे क्योंकि हमें उसको ग्राइंड करना है। इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, आप अगर ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर लें और अगर आप कम लेते हैं तो आप कम ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 to 8 स्पून ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैंने विप क्रीम ले ली है और ये मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे हमारे शेक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। जबरदस्त सा कलर आ रहा है शेक के अंदर। अब मैं आइस ऐड करूंगी। आइस मैंने ज्यादा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले से स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज किया हुआ है, तो मैं थोड़ी सी ही बर्फ ऐड करूंगी क्योंकि हमारा शेक ऑलरेडी ही चिल है। अब हम स्ट्रॉबेरीज और आइस को एक साथ ब्लेंड करेंगे। मैंने स्ट्रॉबेरी की एक और रेसिपी भी बनाई थी, स्ट्रॉबेरी डिलाइट जूस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो बहुत इजी और यम्मी रेसिपी है। अगर आपको वो रेसिपी चेक करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये कितना फ्लफी है और इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी नज़र आ रहा है। अब हम इसको सर्व करेंगे और सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे वाइन ग्लास ले लिए हैं। वाइन ग्लास के अंदर हम अपना ये स्ट्रॉबेरी शेक डालेंगे और इसको फुल नहीं भरेंगे क्योंकि हमें इसकी टॉपिंग भी करनी है। टॉपिंग करने के लिए मैं विप क्रीम यूज़ करूंगी। ये फ्लेवर्ड होती है और इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी शेक के साथ मिक्स होने के बाद बहुत अच्छा आता है। विप क्रीम को मैंने पहले अच्छे से बीट कर लिया है ताकि उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा सा बन जाए। अब इसे हम गिलास के किनारों पे लगाएंगे और इसको इससे फिल कर देंगे। इसी तरह हम बाकी गिलासेस पे भी इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब हम इनके ऊपर चेरीज लगा देंगे और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह आपको सर्व किया जाता है। ग्लासेस को ऐसे ही डेकोरेट किया जाता है। तो ये आप शेक रमज़ान में भी बना सकते हैं। रमज़ान में बनाने के लिए आप स्ट्रॉबेरीज को पहले से फ्रीज करके रख सकते हैं और रमज़ान में आप इसका शेक बना सकते हैं। तो ये हमारे ग्लास रेडी हो गए। आप देखें कितना दिखने में यम्मी लग रहा है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर आ रहा है इसके ऊपर। तो ये ठंडा ठंडा सा स्ट्रॉबेरी का शेक रेडी है। आप इसको एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।